विनर की जंग लगातार जारी है और इस रेस में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई काफी आगे चल रहे हैं। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ और रश्मि की ऐसी जोड़ी है जिनके बीच काफी प्यार भी देखने को मिला तो काफी तकरार भी हुई। कुछ भी हो, दोनों कंटेस्टेंट अपने प्यार और तकरार की वजह से लाइमलाइट में रहे और लोग काफी इंटरटेन भी हुए। दोनों बिग बॉस के घर में कई बार एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। फैंस ने तो उन्हें तब भी पसंद किया था जब इन दोनों ने सीरियल दिल से दिल तक में काम किया था। लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि शो में दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, पर हुआ कुछ और ही। मतलब साफ है, सिद्धार्थ रश्मि चाहे प्यार करे या लड़ाई, दर्शकों के लिए तो ये जोड़ी हिट है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिग बॉस के फिनाले के बाद आप स्क्रीन पर इस जोड़ी को मिस करेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जोड़ी बिग बॉस के इस सीजन के बाद भी स्क्रीन पर एंटरटेन करती नजर आएगी। दरअसल खबरें आ रही हैं कि सिद्धार्थ और रश्मि बिग बॉस के बाद एक और रियलिटी शो में नजर आ सकते हैं जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। जी हां, आपको भले ही अजीब लगे लेकिन खबरों के अनुसार दोनों स्टार जल्द ही खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि दोनों इस शो में किस रोल में नजर आने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो स्क्रीन पर एक बार फिर सिद्धार्थ और रश्मि नजर आएंगे। बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों इस शो में आते हैं तो फैंस इन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिद्धार्थ और रश्मि खतरों के खिलाड़ी 10 में नहीं बल्कि कलर्स के नई सीरीज यानी कि खतरों के खिलाड़ी के बाद खतरों के खिलाड़ी ऑल स्टार्स में नजर आ सकते हैं। इस नई सीरीज में कई स्टार्स को भी शामिल किया जा सकता है। For latest TV news and gossip, subscribe to our channel, Tele Network.